हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रोहित वेकर हूं। हमने जो क्लास स्टार्ट किया था वहां पे पार्ट 9 हो चुका था, वहां पार्ट 10 लेके आया हूं। पार्ट 9 का हमने देख लिया है, नया पार्ट पार्ट 10 लेके आया हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बहुत बात की थी कि वहां पे क्या होता है। ठीक है, क्या क्या बात हमने डाइजेस्ट सिस्टम के लिए माउथ के बारे में बात की, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ थोड़े बहुत और क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, नया क्वेश्चन ये है, वीडियो चालू करो उससे पहले आप मेरा वीडियो डेली का डेली फॉलो कर रहे हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे आपको मेरा अच्छा वीडियो मिलते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बराबर कि भाई डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है उसकी बात है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द होल ऑफ इंटेस्टाइन बिफोर द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक पोजेस एंड कॉल्ड विली। खास अगर हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, गुजरे में होती है कोई। ठीक है, वहां पे क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहां पे क्या होता है फिंगर लाइक इनर लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बुलाते हैं वीली बुलाते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं वीली। ठीक है, बहुत सारी होती है वीली, कहां पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, वीली कहां पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसका होता है। ठीक है, वीली बन गया है कि भाई पहले क्या था स्मॉल
इंटेस्टाइन में जो चीज हमारे रिक्वायर थी वो एब्जॉर्ब हो गई लीकी के द्वारा, जो अनएब्जॉर्ब थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन में लीकी थी वहां पे लीकी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो एनस से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, कहां से बाहर निकलेगा एनस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज सेग्रेटेड बाय एनस स्फिंक्टर, यानी कि एनस के द्वारा एनस स्फिंक्टर से वो हम वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये पूरी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है एसिडिक कंपोनेंट मतलब एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसको कैसे रिमूव करना है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वीटी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि एक्स्ट्रा पीस हो भी वो एनस के द्वारा निकाल देगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोट में कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, थोड़ा आज बात करेंगे बट इसकी डिटेल में बात हम लोग कल नेक्स्ट के लेक्चर में लेके आऊंगा, आज इसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड मटेरियल्स टेक अ नेम मतलब टेक अ नेम जानते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है खाना खाने से, वो खाना खाएंगे से जानता है उसकी बॉडी में क्या मिलेगा न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हम जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट सॉरी का ऑक्सीजन क्या करेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, उससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आपको रिएक्शन आया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना दे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो वही क्या करेगा ऑक्सीजन क्या करेगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज को तोड़ेगा और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से होकर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आज आपको यहां पे थोड़ा ही। ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज अदर पार्ट में दे डू नॉट इनवॉल्व ऑक्सीजन एंड गेन एनर्जी बराबर, सभी में अलग अलग होते हैं, कभी कभार ऑक्सीजन के बिना भी नॉट इनवॉल्वमेंट ऑक्सीजन के इनवॉल्वमेंट बिना ही उसका ब्रेक डाउन होता है, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, दस लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टेकन इन बाय सेल्स थ्रू वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि सभी में क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, सभी में क्या होता है फूड का ब्रेक डाउन होता है बट सभी में अलग अलग ब्रेक डाउन पॉसिबल है, इसकी सभी बॉडी में क्या होगा अलग अलग ब्रेक डाउन होगा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी ये ब्रेक डाउन कैसे होता है ग्लूकोज का उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, आज ये तीन क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं, अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हम कल पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।